मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर आज फिर आपके लिए क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम फिर साइंस को लेकर के आए हैं, जिसका चैप्टर जो है वो आपका कौन सा है, 7। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 7 चैप्टर का ही बताया था, जिसमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग केवल एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर में आपका है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, उसमें। तो यहाँ पर एडेप्टेशन के लिए जो सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें सबसे पहले आपका आता है एडेप्टेशन, फिर एडेप्टेशन टू पोलर रीजन। अब पोलर रीजन के अंतर्गत आप पोलर बियर और पिंगुइन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर एडेप्टेशन इन डिजर्ट। तो एडेप्टेशन इन डिजर्ट में आप क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, तो एडेप्टेशन इन कैमल यानी कि ऊंट के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो है आपके पास टॉपिक, उसमें एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट में आप कितने के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो ये एनिमल्स पक्षी हैं उसके बारे में, जैसे कि टकंस ये एक पक्षी है, लीफ कटर एंट्स चींटी है, फिर वहां पर स्लोथ है, रेड आई फ्रॉग है और एलिफेंट्स है। तो इसके बारे में आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एडेप्टेशन को देखने के लिए चलते हैं कि एडेप्टेशन होता क्या है, ठीक है। तो एडेप्टेशन के लिए जानने के लिए हम आपको यह बता दें कि एडेप्टेशन जो होता है वह किसी भी जीव को अच्छी तरीके से सरवाइव करने के लिए अपने वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को वह ढाल लेता है, जिसके कारण वह उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में अपने आप को आसानी से जीवित रख पाता है और अपने आप को सरवाइव भी कर पाता है। तो यहाँ पर एडेप्टेशन को अगर हम डिफाइन करने के लिए चलेंगे, तो एडेप्टेशन के डिफाइनेशन में आपके बुक के आधार पर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर है द एडजस्टमेंट और चेंजेस इन द बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ टू सर्वाइव इन पार्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी यहाँ पर यह हुआ मतलब कि कोई भी जो एडजस्ट करता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है किसी भी बदलाव को, या अपने आप को बदल लेता है किसी भी क्लाइमेट में, अपने आदतों में, किसी भी क्लाइमेट में अपने आदतों का जो बदलाव कर लेता है, अपने शरीर के स्ट्रक्चर का जो बदलाव कर लेता है, ताकि वह जीव इस वातावरण में अपने आप को सही तरीके से जिंदा रख सके और अपनी संख्या को बढ़ा सके, तो उसको हम लोग एडेप्टेशन के नाम से। यह एडेप्टेशन जो होता है वह विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आपके बुक के आधार पर तीन क्षेत्र के बारे में आपको बताए जाने हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, या ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें कैसे जीव अपने आप को जीवित रख पाता है उसके बारे में आपको जानना है। या पोलर रीजन जो होता है बहुत ही ठंडे क्षेत्र होते हैं इस पृथ्वी पर, या पूरा का पूरा क्षेत्र कोल्ड बर्फ, ठंडे बर्फ से ढके हुए होते हैं, यहाँ हमेशा सालों भर बर्फबारी होती रहती है, यह सालों भर बर्फ से ही ढके हुए होते हैं। फिर भी इस स्थिति में भी वहां पर कुछ पेड़ पौधे, कुछ जीव जो होते हैं वह अपने आप को जिंदा रखते हैं, या जिंदा रहने की जो स्थिति होती है वह किसके कारण होता है, तो उनके एडेप्टेशन के कारण होता है कि वह अपने शरीर की स्थिति को, अपने शारीरिक स्ट्रक्चर को, बनावट को बदल लेते हैं और इस तरीके से वह बना लेते हैं कि उस क्षेत्र में अपने आप को वह जीवित रख सके। जैसे कि सबसे पहले आपको हम पोलर बियर के बारे में बताते हैं, तो पोलर बियर का जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में यह पोलर बियर ही वहां पर जीवित रह सकता है, दूसरे जीव नहीं रह सकते। तो पोलर बियर के बारे में आप जानिए कि इसके शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वह तो बियर की तरह ही होता है, लेकिन इसके जो क्लोज होते हैं, पंजे जो होते हैं, वह ऐसे बने हुए होते हैं कि बर्फ में जल्दी फंसते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति होती है कि इसके जो पूरे शरीर होते हैं वह बड़े बड़े व्हाइट फर से ढके हुए होते हैं, उजले फर से ढके हुए होते हैं। इसका कारण यह होता है कि बर्फ का भी कलर कैसा होता है, उजला ही होता है, और पोलर बियर जो है उसके
फर यानी कि उसके रोएं जो होते हैं, उसके जो बाल होते हैं, उसका भी कलर कैसे होते हैं, तो उजले होते हैं। तो यह अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए वह बर्फ में अपने आप को आसानी से छुपा सकता है, यानी कि कैमुफ्लेज कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या होता है कि यह जब अधिक ठंड पड़ती है तो 6 से 7 महीने तक, लगभग 6 महीने तक यह क्या करता है कि एक गुफा में चला जाता है और अपने आप को गर्म रखने के लिए या अपने त्वचा के नीचे फैट्स को जमा कर लेता है, जिसके कारण उसे गर्मी फीलिंग्स होती है, यानी कि ज्यादा ठंडक फीलिंग नहीं होता है और अपने आप को बचाता है। और 6 महीने तक अधिक ठंड पड़ने पर वह कहाँ चला जाता है, तो शीत निंद्रा में चला जाता है। यह जो शीत निद्रा होता है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हाइबरनेशन, यानी कि 6 से 7 महीने तक हुआ क्या करता है कि एक कंदरा में, गुफाओं की कंदरा जो होती है, पहाड़ की जो कंदरा होती है, उसमें जाकर यह सो जाता है और उस समय तक यह न तो खाना खाता है न ही पानी पीता है। अब बिना खाना पानी के कैसे रहता है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि उसके स्किन के नीचे मोटी फैट्स की परत जम जाती है। वह 6 महीने तक उसी फैट्स का उसका शरीर जो होता है उपयोग करता है और वह 6 महीने के बाद दुबले पतले निकलते हैं गुफाओं से, लेकिन उससे पहले वह बहुत ही मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके त्वचा के नीचे एक परत फैट्स की जम जाती है और यह फैट्स जो होता है उसको ठंडे से भी बचाता है, यानी कि उसके शरीर को गर्म भी रखता है और उसको भोजन भी प्रदान करता है। जब उसके अनुकूल वातावरण हो जाती है तब वह फिर बाहर आता है और खाने पीने लगता है। तो इस तरीके से वह अपने आप को जिंदा रखता है। फिर उसी तरीके से है पिंगुइन के बारे में जानिए, तो पिंगुइन भी जो होता है वह इसी तरकीब का स्थिति अपनाता है, यानी कि वह भी अपने आप को अनुकूलित करता है। सबसे पहले आप जाने कि पिंगुइन की जो शारीरिक स्थिति होती है उसके उसके जो पैर होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं और उसकी जो पूंछ होती है वह भी छोटे होते हैं। यह दो पैर और अपनी पूंछ की सहायता से वह सीधे आसानी से खड़े रहते हैं। उसके बाद उसके जो पंजे होते हैं, क्लोज जो होते हैं, उन क्लोज उंगलियों के बीच में झिल्लियां होती है। वह झिल्ली जब बर्फ पिघल जाता है तो उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं। उसके दो डैने होते हैं जो पंख की भांति दिखती है लेकिन पंख की तरह वह काम नहीं करता है, लेकिन जब वह पानी में जाता है तो वह पंख ही उसको तैरने में मदद करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिंगुइन भी अपने आप को किस तरीके में ढाल लेता है। तो वह बर्फ पर चलने और बर्फ पिघलने पर उसमें तैरने के लायक बनाता है। अब चूंकि बर्फ जो है वह अधिक ठंडे होते हैं, बर्फ से पिघला हुआ जो पानी होगा वह भी अधिक ठंडे होंगे, तो इसके लिए उससे बचने के लिए इसके जो शरीर पर फर होते हैं, पंख जो छोटी छोटी होती है, वह बहुत मोटे और गद्देदार होते हैं, जिसके कारण वह अपने आप को या अपने शरीर को गर्म रखता है। यदि कभी अधिक ठंड पड़ती है तब वह एक क्लस्टर बना करके, मतलब एक साथ जमा हो जाता है। अब एक साथ जमा होकर के वे पिंगुइन एक दूसरे को गर्मी प्रदान करते हैं, इस तरीके से भी जिंदा रहते हैं। और दूसरी स्थिति यह होती है कि वह एक साथ अगर रहते हैं तो अपने इनेमी यानी कि दुश्मनों से भी अपने आप को आसानी से बचा पाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पिंगुइन और पोलर बियर जो होता है वह अपने आप को कैसे इस क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में अपने आप को बचा के रखता है और सर्वाइव भी करते हैं और बच्चे को भी जन्म देते हैं, अपनी संख्या को भी बढ़ाते हैं। अब यहां फिर आगे देखते हैं इस पिंगुइन के बारे में कि पिंगुइन जो होते हैं वह हमेशा एक दूसरे के बीच में रहते हुए में भी वह उस बर्फ पर अपने आप को जीवित रखता है। किस तरीके से? तो वह जब एक क्लस्टर में होता है तो एक दूसरे के साथ में सटे सटे होकर के अपने शरीर को गर्म करते हैं और एक दूसरे को भी गर्मी प्रदान करते हैं। उसकी जो शरीर की जो स्थिति होती है वह आगे से नुकीली होती है, क्योंकि चोंच को आपने देखा होगा तो चोंच जो होते हैं वह सभी पक्षियों में भी उसी तरकीब के होते हैं कि आगे से नुकीले होते हैं और पीछे फिर धीरे धीरे मोटे होते चले जाते हैं, यानी कि उसको स्ट्रीम लाइन आप बोल सकते हैं। स्ट्रीम लाइन होने के कारण क्या हो जाता है कि वह पानी में भी आसानी से तैर सकता है और तैरने की स्थिति में वह मछलियों को पकड़कर खाता है। तो पिंगुइन अपने आप को इस तरीके से जिंदा रखता है तो पानी से मछली को पकड़ के भोजन का भी काम करता है।
फिर अगली जो स्थिति होती है उसकी जो चोंच होते हैं वह लंबे होते हैं। लंबे होने का कारण क्या होता है कि उसके लंबे चोंच के आगे दो छिद्र होते हैं जिससे वह सूंघने की जो क्षमता होती है उसके जो सेंसेस होते हैं वह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उस क्लाइमेट में वह उस सेंस का यूज करता है कि कहां पर उसके खाने वाली चीजें हैं और कहां पर उसके दुश्मन हैं। तो इस तरकीब से वह अपने आप को उस क्लाइमेट में ठंडे क्षेत्र में जिंदा अपने आप को रखता है। अब आया आगे आपके पास कुछ पोलर बर्ड्स के बारे में कि पोलर बर्ड्स जो होते हैं जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं यदि कभी किसी कारण से उन्हें गर्मी की आवश्यकता होती है तब वो माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि उस भ्रूण को छोड़ के जहां पर गर्मी पड़ती है वहां पर आते हैं। जैसे कि साइबेरियन पक्षी, यह साइबेरियन पक्षी जब प्रजनन करने की स्थिति में आते हैं अंडे देने की स्थिति में आते हैं तो अंडे देने के बाद उसे सेना पड़ता है तो अंडे को सेने के लिए उसे गर्मी की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह क्या करते हैं दूसरे देश में माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि लंबी दूरी को वह तय करके अपने अनुकूलित वातावरण में पहुंचते हैं और वहां पर वह अंडे देते हैं अपने बच्चे को जन्म। जब तक बच्चे उनके उड़ने लायक नहीं होते हैं तब तक वो यहीं पे बने रहते हैं और फिर अपने पुनः स्थिति पर चले जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उसमें से आपके बुक में देखें उसका पिक्चर है साइबेरियन क्रेन, या माइग्रेटरी बर्ड्स है या साइबेरिया से यहां तक आ जाता है, क्योंकि यहां पर दो बर्ड सेंचुरी है, एक राजस्थान में है ब्रह्मपुत्रा बर्ड सेंचुरी और एक हरियाणा में है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, तो यहां पर इसे देखे जाते हैं गर्मियों के लिए। ठीक है, अब आगे है आपके पास एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल सॉरी एडेप्टेशन टू डिजर्ट, एडेप्टेशन टू डिजर्ट। अब हम लोग डिजर्ट के बारे में जानेंगे, रेगिस्तान के बारे में कि वहां पर जीव अपने आप को कैसे जीवित रखते हैं। तो सबसे पहले डिजर्ट के कुछ नेचर होते हैं उसको आप जान लें कि डिजर्ट जो होता है वह अधिक शुष्क होता है, सूखे हुए होते हैं, वहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वहां पर पानी नहीं होती है। दूसरी अगली स्थिति क्या होती है कि वहां का जो फिजिकल नेचर होता है जो जियोग्राफिकली नेचर है वह कि दिन के समय वह अधिक गर्म होते हैं, वहां का जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर लगभग 43 से 49-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतने टेम्परेचर में वहां के जीव अपने आप को कैसे जीवित रखते हैं, तो वहां के जो जीव होते हैं उस स्थिति में भी जीने लायक अपने आप को बनाते हैं। जो छोटे जीव होते हैं वे जमीन के अंदर गड्ढे खोद लेते हैं, बालू के नीचे बिल बना लेते हैं और उसके अंदर वो रहते हैं दिन के समय, और वहीं फिर रात के समय कभी कभी टेम्परेचर जो होते हैं वह फ्रीजेस हो जाते हैं, यानी कि जीरो से भी नीचे चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में भी वे अपने बिल के अंदर ही जमीन के अंदर ही रहते हैं। फिर अगली स्थिति क्या होती है कि वहां के जो इंसेक्ट्स होते हैं वह इंसेक्ट्स भी बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन वहां के कटीले पेड़ पौधे से वे अपने आप को जीवित रखते हैं। उनके शरीर के ऊपर एक सल्क होती है, जैसे कि मछलियों में आप लोगों ने देखा होगा कि मछलियों के ऊपर सल्क होती है, वह उसके टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। अगली कि वहां के जो जीव होते हैं उन पानी, सबसे पहले हम लोग पानी को देखते हैं यहां पर, क्योंकि ड्राइनेस एरिया है तो पानी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। इसका कारण यह होता है कि वह पानी का उपयोग अपने शरीर से बहुत कम करते हैं। अधिकांशतः ऐसे जीव होते हैं जो उस क्षेत्र में रहकर पानी बहुत कम पीते हैं, यदि उन्हें पानी पीने की आवश्यकता होते हैं तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो अपने मुंह यानी माउथ से पानी पीते भी नहीं है, अपने शरीर को केवल पानी से टच कराते हैं और उनका पूरा शरीर पानी से भीग जाता है, यानी कि वह इस तरीके का स्पॉन्ज को आपने देखा होगा कि जैसे ही आप स्पॉन्ज को पानी में रखेंगे वह पूरा स्पॉन्ज उस पानी को सोख लेता है, तो उसी तरीके का वह अपने आप को बिहेव कर चुके हैं, एडेप्ट कर चुके हैं और इस तरीके से वह रेगिस्तान में जीवित रहते हैं।
तो इसमें रेगिस्तान में जो हम लोगों को एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है तो उसमें एडेप्टेशन इन कैमल, ऊंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो ऊंट का जो होता है उसके बारे में आप जानिए कि उसका जो कलर होता है वह ब्राउन कलर का होता है, उसका स्किन जो वहां के जमीन के साथ वो माइग्रेट कर जाता है, मर्ज कर जाता है, सॉरी माइग्रेट मैंने बोल दिया, उस जमीन के साथ मर्ज कर जाता है यानी कि मिलजुल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसके शरीर और जमीन दोनों एक कलर में दिखाई देते हैं, उसके एनिमीज उसको सही से देख नहीं पाते हैं। फिर अगला है कि वह अपने आप को सर्वाइव इस रूप से करता है कि वह अपने शरीर को टेम्परेचर से बचाने के लिए उसके जो पैर होते हैं वह बहुत लंबे लंबे होते हैं, जिसके कारण वह जमीन से बहुत ऊंचाई पर होते हैं, और जिसके चलते क्या होता है उनके शरीर पर उस पृथ्वी के गर्म होने के बाद भी उसके शरीर पर इस टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आगे है कि वह अपने शरीर में पानी को कई दिनों तक जमा रख सकता है, यानी कि एक ऊंट जो होता है वह 10 मिनट तक अगर पानी पिए तो वह 40 लीटर पानी को एक बार में पीता है, यानी कि 10 मिनट में वह 40 लीटर पानी को पी सकता है। अगली, फिर वह अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए फैट्स को जमा रखता है, और वह फैट्स जो होता है उसके हम में जाके जमा हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके जो ऊंट के जो पीठ होते हैं उसके पीठ पर एक कुबर जैसा बना हुआ होता है, उस कुबर में केवल वह क्या करता है कि फैट्स को जमा रखता है, यानी कि वह जितना ज्यादा खाना खाएगा उसका कुबर जो होगा उतना ही बड़ा होता है। तो इस तरीके से वह कई दिनों तक बिना भोजन बिना पानी के वह रेगिस्तान में चलता है। फिर उसके जो नाक होते हैं, नाक के ऊपर एक सल यानी कि मांस का जो गुत्थर होता है उससे ढका हुआ होता है, जिसके कारण उससे नाक से सांस लेते समय सांस छोड़ते समय इवेपोरेशन की जो क्रिया होती है वह कम हो जाती है, ठीक है। उसकी जो निष्ठा होती है, उसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसमें वेस्ट मटेरियल में वह क्या करता है कि बहुत कम पानी की मात्रा होता है, वह यूरिन भी यानी कि टॉयलेट जो करता है वह यूरिन भी बहुत कम मात्रा में अपने शरीर से डिस्ट्रॉयड करता है, जिसके कारण उसके शरीर में पानी जमा रह जाता है। फिर उसके जो क्लोज होते हैं, पंजे जो होते हैं, पैर का जो नीचे वाला भाग होता है वह गद्देदार होते हैं। अब गद्देदार होने का कारण क्या होता है कि बालू में यदि हम लोग या आप चलते हैं तो क्या होता है हमारे पैर जो होते हैं बालू में धंस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें चलने में परेशानी होती है, लेकिन ऊंट के साथ ऐसा नहीं होता है। वह क्या होता है कि उसके जो पंजे होते हैं उसके पंजे वह आसानी से बालू में नहीं धंस पाते हैं, रेत में नहीं धंस पाते हैं, और वह आसानी से बालू पर चल लेता है। तो यह चलने की स्थिति में आप देखेंगे कि वह इस तरीके से चल लेता है और अपने आप को उस रेगिस्तान की स्थिति में अपने आप को बचा के रखता है और सर्वाइव भी करता है। फिर है आगे आपके पास रैन फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर उसकी स्थिति को जान लीजिए। तो जानने के लिए अब हम लोग देखते हैं किसको, रेन फॉरेस्ट को। लेकिन तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वह कहां पर है, सबसे पहले इसको जान लें। यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वह नियर ऑफ इक्वेटर होता है, मतलब इक्वेटर के नजदीक पाया जाता है, जहां पर कि प्रायः जो जीव होते हैं अधिकांशतर जीव उस फॉरेस्ट में अपने आप को जीवित रख पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वह सामान्यतः न तो ज्यादा गर्म होता है और न ज्यादा ठंडे होते हैं, वहां पर वर्षा भी सीमित मात्रा में होती रहती है, यानी कि इसके अंदर अगर आप जाए तो वह बहुत ही गहरा घना जंगल जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं वह लगभग बराबर होते हैं, मतलब जितना घंटे का दिन होगा उतने ही घंटे की रात भी होगी, और पूरे साल यह स्थिति बनी हुई रहती है। वहां पर सीमित मात्रा में
जितनी पर्याप्त मात्रा में बारिश होनी चाहिए उतने ही हो पाते हैं। वहां पर जो जीव होते हैं, वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं, वह हमेशा उस क्लाइमेट में अपने आप को जिंदा और हरा भरा रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर रहने वाले जो जीव होते हैं उस जीवों को उस पेड़ पौधे से पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए उसको आहार भी मिल जाता है। यह जो है भारत में, अगर भारत के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखें तो यह भारत में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर है, तो वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे और आसाम में, ठीक है। तो यहां पर जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं, उसमें बंदर है, लंगूर है, गोरिल्ला है, लायन, टाइगर यानी कि बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, हाथी भी होते हैं, लियोपर्ड, चीता, ठीक है। वहां पर बहुत किस्म के गिरगिट छिपकलियां भी पाई जाती हैं, सांप और पक्षियां भी होते हैं। अब एक एक करके यदि हम देखने के लिए चले तो यहाँ पर कुछ ऐसे जीवों के एडेप्टेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है जो आपके बुक में दिया गया है। कि सबसे पहले आपके पास क्या है, तो यह है टुकान। यह टुकान एक पक्षी होता है जो इसके जो चोंच होते हैं उस चोंच के आधार पर ही इसका नाम टुकान पड़ा है, क्योंकि इसके जो चोंच होते हैं वह लगभग इसके शरीर के आधे भाग का होता है, मोटाई में भी उतने ही होते हैं। यह टुकान जो होता है वह किसी भी नट्स को यानी कि जो करे फल होते हैं उसको यह आसानी से तोड़ सकता है और उसके अंदर से बीज को निकाल करके यह खा सकता है, यानी कि इसके चोंच जो होते हैं वह बहुत ही मजबूत होते हैं और बड़े आकृति में होते हैं, जो किसी भी नट्स को वह आसानी से तोड़ देता है और छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो पैर होते हैं, उसके पैर के जो पंजे होते हैं, वह किसी भी डाली को आसानी से पकड़ सकता है और बैठ सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो उसके चोंच लगभग तोते के चोंच के समान ही होते हैं, लेकिन तोते के जो चोंच होते हैं वह छोटे होते हैं, लेकिन इसके जो चोंच होते हैं वह बड़े होते हैं। इसके चोंच जो मजबूती के कारण वह किसी भी नट्स को तोड़ती है। यह बात हमेशा याद रखेंगे कि टकान जो होता है वह टकान के चोंच बहुत ही मजबूत होते हैं और केवल यह नट्स को फोड़ करके उसके अंदर से बीज को निकाल सकता है, ठीक है। अब आगे है आपके पास लीफ कटर एंट्स। ठीक, यह लीफ कटर एंट जो होता है वह एक झुंड में रहते हैं, ठीक है, एक कॉलोनी की तरह रहते हैं, या जिधर जाते हैं वहां से इनकी जो खाने लायक पौधे की जो पत्तियां होती है उस पत्ते को काट काट कर अपने घरों में जमा रखते हैं, और जब वह अपने उस घर में जब जमा रखते हैं उस पत्ती पर तो उस पर फंगस लग जाते हैं। फंगस लगे हुए पत्ती को वह क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए या अपने लिए उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो एंट कटर के एडेप्टेशन को आपने जाना। इनके जो पैर होते हैं ये अभी आपको मैंने अभी खाने के लिए बताया था, इनके जो पैर होते हैं वह लंबे लंबे होते हैं, जिसके कारण यह क्या करता है कि किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं, और जो पत्ती होती है जिसको वह काट करके लाते हैं वह पत्ती की आकृति के आधार पर या अपने शरीर के आकृति के बराबर में पत्ती को काट करके अपने साथ लेकर के अपने घरों में जाते हैं। तो इस तरीके से उसके पैर, उसके शरीर की आकृति और उसके मुंह, यह तीन चीज जो होता है इसके लीफ कटर एंट के उस रेन फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जीवित रहने के लिए एडप्ट कराता है, यानी कि अनुकूलित करता है। उसके बाद है स्लोथ। स्लोथ जो होता है यह पृथ्वी पर का सबसे स्लो धीमा प्राणी होता है, ठीक है। इसके जो पैर होते हैं उसके पैर को अगर आप देखेंगे तो पीछे से तीन उंगलियां हो, सॉरी आगे से तीन उंगलियां होती है और पीछे से एक उंगली होती है। यह अपने शरीर को इतना धीमा रखता है कि यह अगर एक मीटर की दूरी को तय करता है तो एक मीटर की दूरी को तय करने में लगभग इसे एक घंटे की टाइम समय। यह बहुत स्लो प्राणी होता है। यह जब किसी भी पौधे पर होता है तो एक पत्ते को तोड़ने के लिए जिसको वह खाता है, क्योंकि यह शाकाहारी होता है और पेड़ की पत्तियों को ही खाता है, तो वह पेड़ की पत्ती को जब यह तोड़ता है तो तोड़ने के लिए अपने हाथ को या अपने शरीर के या पैर को
जो अंग को आगे की ओर बढ़ाता है तोड़ने के लिए, उसमें इसको लगभग एक मिनट का टाइम लगता है पत्ती को तोड़ करके अपने मुंह तक लाने, यह इतना धीमा होता है। वह इससे इसे फायदा क्या मिलता है इसको कि यह अपने एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इसका एनर्जी जल्दी खत्म नहीं होता है और अपने आप को जीवित रखता है। तो यह केवल क्या खाता है, शाकाहारी होता है और पेड़ पर ही रह पाते हैं। फिर है उसके बाद आगे रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग जो होते हैं यहां पर है, यह सामान्यतः अमेरिका में यानी कि सेंट्रल अमेरिका में यह पाया जाता है और सेंट्रल अमेरिका रेन फॉरेस्ट जो होता है वहां पर ही यह पाया जाता है। इसके जो पूरे शरीर होते हैं वह चिपचिपे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके पैड होते हैं यानी कि पैर के जो पंजे होते हैं वह सबसे ज्यादा चिपचिपे होते हैं, जिसके कारण यह क्या करता है कि किसी भी पेड़ को आसानी से पकड़ पाता है और उसके ऊपर यह चढ़ पाता है और इसके मदद से वह पेड़ पर ही अपने शिकार को पकड़ कर खाता है। अब आ गया आपके पास एलिफेंट्स, लास्ट टॉपिक आपके पास है एलिफेंट्स यानी हाथी। अब हाथी को देखेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले हाथी के जो कान होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हाथी के कान सबसे बड़े क्यों होते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि कान जो होता है उसके मस्तिष्क पूरे शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। यानी ठंडा करने का मतलब क्या कि यदि उसके पूरे मस्तिष्क को ठंडा रखा जाए तो वह अपने पूरे शरीर को भी ठंडक फीलिंग्स कराता है। तो वह अपने मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए उसके जो पंख जैसे जो कान होते हैं वह उसके मस्तिष्क को ठंडा करता है। और आगे फिर देखेंगे तो एलिफेंट्स जो होते हैं, एलिफेंट्स के जो दांत होते हैं उनके जो सूंड होते हैं वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सूंड के हाथी के जो सूंड होते हैं वह ज्यादा बड़े नहीं होते हैं बल्कि छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वहां पर उसको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और यह भी शाकाहारी प्राणी होता है। लेकिन इसके जो दांत होते हैं वह दांत मतलब हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के हाथ दांत और एक खाने के दांत। तो दिखाने वाले दांत को आप बात नहीं कर रहे हैं, उसके खाने वाले दांत की बात कर रहे हैं कि इसके जो दांत होते हैं उसके दांत बहुत ही मजबूत होते हैं और सबसे ज्यादा खास करके कि इसके जो केनाइन होते हैं वह केनाइन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। प्रीमोलर और मोलर भी सबसे अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि केनाइन जो होता है वह किसी भी चीज को चीरने का काम करता है, इसीलिए इसके जो दांत होते हैं वह बड़ी बड़ी तखनियों को आसानी से चीर देता है और उसको प्रीमोलर और मोलर के माध्यम से इसको आसानी से चबा पाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रंक के माध्यम से भी वह अपने दांत के अंदर अपने मुंह के अंदर क्या करता है कि खाने वाले चीज जो होते हैं शाकाहारी पौधे की जो डालियां होती है उसको वह आसानी से सूंड के माध्यम से अपने मुंह के अंदर करता है। और सूंड जो होते हैं उसके ज्यादा नहीं होते हैं बाकी हाथियों की अपेक्षा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो हाथी के जो सूंड होते हैं वह छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भोजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है और वह आसानी से उस सूंड से ही पकड़ पाता है। तो आपकी यह जो चैप्टर है वो खत्म हो रही है, लेकिन इसमें जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसके क्वेश्चन आंसर को आप निश्चित रूप से करेंगे और असाइनमेंट को भी आप बनाएंगे। तो अगले दिन आप हम लोग फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।